तो ऐसा कोई कंटेनर है और इसकी डेप्थ जो है या हाइट जो है वो एच है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और यहां पे चार ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, चारों के चारों ऑब्जेक्ट सेम लेवल पे बॉटम पे रखे हुए, चारों के चारों ऑब्जेक्ट सेम लेवल पे बॉटम पे रखे हुए हैं बट चारों का कलर डिफरेंट है, कलर ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, फर्स्ट वन इज रेड कलर्ड, सेकंड वन इज येलो कलर्ड, थर्ड वन इज ब्लू एंड फोर्थ वन इज वॉलेट, फोर्थ वन इज वॉलेट। ये चार कलर जो है यहाँ पे इस कंटेनर के बॉटम में रखा हुआ है, बाहर एयर है एंड यहाँ पे वॉटर है, ये अपने पास वॉटर है। तो अपने को पता करना है कि विच ऑब्जेक्ट appears to be at maximum depth. इस ऑब्जर्वर को मैक्सिमम डेप्थ पे कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? तो जल्दी से बताओ मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम डेप्थ पे दिखेगा, विच ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी एट मैक्सिमम डेप्थ? रेड। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। हाँ, तो काफी लोगों ने ट्राई कर लिया है। तो वैसे तो अपन डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि रेड जो है वो सबसे आलसी होता है, तो अपने को पता है कि डेंसर से रेयरर में जब रेज आएगी, डेंसर से रेयरर में जो रेज आती है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो सबसे ज्यादा कौन ऊपर उठेगा? वॉयलेट। सबसे ज्यादा ऊपर कौन उठेगा? वॉयलेट, क्योंकि रेड तो आलसी होता है। तो सबसे नीचे कौन रहेगा? रेड। तो सबसे ज्यादा डेप्थ पे अपने को रेड दिखेगा। लेकिन अपने इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। उसके लिए अपने फॉर्मूला पता है कि एन वन अपॉन यू शुड बी इक्वल टू एन टू अपॉन वी और एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू यू अपॉन वी। So n1 is what? Water, n, and u is what? Minus h, u, separating surface se object ki length, minus h equal to n2 is what? Sir, video lag ho raha hai. Kya hua? Video lag ho raha hai. Sahi hai sir. वीडियो सही नहीं है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो n अपॉन माइनस h शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन v। सो फ्रॉम हियर v कम्स आउट टू v माइनस h अपॉन n। अच्छा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इमेज भी वाटर के अंदर ही बनेगी,
यस सर, यानी इमेज इमेज जो है सेपरेटिंग सरफेस है उसके डाउनवर्ड बनेगी नेगेटिव का मतलब तो ये है, और एच बाई एन, एच तो कांस्टेंट है सबके लिए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए एच कांस्टेंट है, जिसके लिए एन मैक्सिमम एन मिनिमम होगा विच विल हैव मैक्सिमम वी, और वी का मतलब डेप्थ। सो एन मिनिमम किसके लिए होता है, रेड के लिए, और रेड के लिए एन मिनिमम है तो वी जो है वो मैक्सिमम होगा फॉर रेड। क्या अपन सीक्वेंस भी बता सकते हैं इन सारे कलर्स की, कि अगर जैसे इमेज जो बनेगी इमेज के सीक्वेंस में बनेगी, अगर अपन इमेज की बात करें तो किस सीक्वेंस में बनेगी, टॉप टू बॉटम, सबसे नीचे तो रेड होगा यानी ए होगा, ए बी सी डी, अपने को सीक्वेंस पता है विद जी, और सबसे पहले तो रेड, टेन कौन सा कलर है, ब्लू सॉरी येलो, येलो येलो, देन आएगा बी, उसके बाद है ब्लू, देन आएगा सी, देन है वॉयलेट, तो दैट लास्ट मैक्सिमम जो मिनिमम डेप्थ है या इस बॉटम पार्ट से मैक्सिमम ऊपर उठा हुआ जो दिखेगा वो अपने को वॉलेट दिखेगा। तो ऐसे डिस्पर्जन रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्या? Yes, sir. तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, मेन पॉइंट बस अपना इतना ही है कि डिस्पर्जन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो इतनी ही है कि वॉलेट जो होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, कभी TIR हुआ तो सबसे पहले वॉलेट का होगा, कहीं पे डिस्प्लेस होना है तो सबसे ज्यादा वॉलेट डिस्प्लेस होगा, चाहे वो नॉर्मल के पास आना हो, चाहे वो नॉर्मल से दूर जाना हो, चाहे वो किसी सरफेस से ऊपर उठन को उठना हो, चाहे सरफेस से दबना हो, कुछ भी करना हो, वॉलेट सबसे ज्यादा करेगा। वॉलेट विल हैव मैक्सिमम डेविएशन एंड रेड विल हैव मिनिमम डेविएशन इन एनी ऑफ द रिफ्रैक्शन केस, एम आई राइट? चलो तो ये तो अपन ने सिंपल प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के एग्जांपल देख ली। अब तुम्हारे बोर्ड के अंदर और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं प्रिज्म से डिस्पर्जन किस टाइप से होता है। एक्चुअली अपना डिस्पर्जन जो है वो प्रिज्म वाला डिस्पर्जन ही काम का है, क्योंकि प्रिज्म से डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा होता है तो सारे कलर जो होते हैं वो अपने को सेपरेटली अच्छे से दिखते हैं, जो प्रिज्म से डेविएशन है वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म, सॉरी डिस्पर्जन फ्रॉम प्रिज्म, डिस्पर्जन फ्रॉम प्रिज्म। डिस्पर्जन फ्रॉम प्रिज्म डिस्पर्जन फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म से डिस्पर्जन किस टाइप से होगा इसको अपने को देखना है। तो सिंपल है, अपने को डिस्पर्जन समझ में आ गया तो प्रिज्म क्या, चाहे प्रिज्म का और कोई आ जाए रिलेटिव तो उससे भी करवा सकते हैं, अपने को पता है कि डिस्पर्जन का मतलब है कि वाइट लाइट आएगी वो फैलना शुरू होगी, और फैलते फैलते जितने एंगल में फैल जाती है या सारे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, या कलर्स की जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ कलर इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन, सिंपल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे वो और कोई हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये जो हेडिंग लिखी हुई है वो दिख रही है सबको? यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं प्रिज्म से डिस्पर्जन करवाता हूँ। देखो ये लो प्रिज्म बना लिया मैंने, ये लो प्रिज्म बना लिया। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो प्रिज्म से रिलेटेड अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले मेरे को बताओ कि इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ ही बोलो, प्रिज्म एंगल।
तो अगर मैंने प्रिंसिपल एंगल इसको फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली मेरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दोनों होनी चाहिए। ध्यान रखना जिन दोनों सरफेस जैसे यहां से रेज आ रही है और यहां से इन दोनों सरफेस से अगर रिफ्रैक्ट हो रही है देन आवर प्रिज्म एंगल वुड बी दिस। प्रिज्म एंगल का मतलब है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल, दो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल। तो अगर प्रिज्म एंगल ये है तो रे सपोज यहां से आ रही है, सपोज ये रे यहां से आ रही है तो सबसे पहले मैंने इसका नॉर्मल बनाया, ये लो नॉर्मल। अपन नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन का मीनिंग है कि बाहर अपना एयर है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, यानी प्रिज्म अपना डेंसर मीडियम है। प्रिज्म डेंसर मीडियम है तो रेयरर से डेंसर में जब रे जाएगी, रेयरर से डेंसर में कोई रे जाएगी तो डेफिनेटली रेयरर से डेंसर में जाते हुए एन ज्यादा है तो थीटा कम होगा, यानी नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। तो मैं मान लेता हूं कि एक्चुअली ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी और ये कुछ ऐसे डेविएट हो गई, वन टू एंड थ्री, ये ऐसे डेविएट हो गई। अब मेरे को आराम से सोच के बताओ कि इन तीनों रेज का, मैं यहाँ पे है ना एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट और मीन रे, ये थ्री रेज ही बना रहा हूं। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज बता दो ये रे कौन सी होनी चाहिए, सबसे जो ऊपर है रेड, रेड क्योंकि सबसे कम डेविएट हुई है ये रेड, और ये कौन सी होनी चाहिए वॉलेट, और बीच वाली कौन सी होनी चाहिए येलो, एम आई राइट सर। उसके बाद अब है ना, अब वापस से डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब मैं वापस से अलग अलग नॉर्मल नहीं बनाता हूँ, डायरेक्टली समझ लेता हूँ। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो जो रे है वो नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी, नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी या पास में आएगी, दूर जाएगी, एन का मैं तो थीटा ज्यादा होना चाहिए, थीटा ज्यादा होना चाहिए यानी दूर की तरफ डेविएट होगी। इसका नॉर्मल ऐसा है, इसका नॉर्मल ऐसा है तो दूर की तरफ मतलब ऐसे आएगी। तो ये लो ये चली गई ऐसे, ये चली गई ऐसे और ये चली गई ऐसे, तो ये हो गई रेड, ये हो गई येलो और ये हो गई वॉलेट। तो ये अपने सारी बातें हो गई। इनिशियल रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी और ये ऐसे चली गई, ऐसे चली गई रेड, ऐसे चली गई येलो, ऐसे चली गई और वायलेट ऐसे चली गई। तो क्या इस प्रिज्म से क्या तीनों रेज के लिए मैं डेविएशन एंगल डिफाइन कर सकता हूँ, तीनों रेज के लिए क्या मैं डेविएशन एंगल डिफाइन कर सकता हूँ, बोलो। इनिशियल इनिशियल रे के रेस्पेक्ट में, इनिशियल रे के रेस्पेक्ट में, ये अपनी इनिशियल रे है, दिस इज द इनिशियल रे, रे स्टार्टिंग में ऐसे जा रही थी, ये अपने पास वाइट लाइट रे, वाइट लाइट रे ऐसे रे जा रही थी, रेड इतनी डेविएट हुई तो ये क्या है डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ रेड, ये क्या है deviation of yellow and this is what deviation of violet। ये तीनों का deviation मिल गया अपने को और इतने में spectrum मिलेगा अपने को, this is the spectrum of color, ये इतने range के अंदर अपने को spectrum मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी calculation करता हूँ। सबसे पहले अपने को निकालना है, अगर अपने को ये तीनों एंगल पता है, डेविएशन तीनों पता है, तो सबसे पहले क्या मैं एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकता हूं, यहां पे एंगुलर डिस्पर्जन, बताओ एंगुलर डिस्पर्जन थीटा कितना होता है, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा कितना होता है, डेल वी माइनस डेल आर माइनस डेल आर, वेरी गुड, डेल वी माइनस डेल आर, थीटा यानी कितने रेंज के अंदर,
ये तीनों कलर्स फैले हुए हैं, कितने रेंज के अंदर ये तीनों कलर फैले हुए हैं, और ये हो जाएगा डेल बी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर। ऐसे कैसे क्या मैं डिस्पर्सिव पावर निकाल सकता हूं, डिस्पर्सिव पावर बीटा, बीटा कितना होगा बताओ, बीटा इज व्हाट, थीटा अपॉन डेविएशन ऑफ येलो, थीटा अपॉन डेविएशन ऑफ येलो, सो दैट वुड बी थीटा यानी डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल येलो। अच्छा कभी कभी है ना, एक बात और बता देता हूं, अगर अपने को येलो का डेविएशन गिवन है, अगर अपने को येलो का डेविएशन गिवन है तब तो ठीक है, अगर अपने को येलो का डेविएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है और अपने को येलो के डेविएशन की जरूरत पड़ रही है तो ये मीन रहे है ना यार, इफ डेविएशन ऑफ येलो इज नॉट गिवन तो क्या मैं इसको डेविएशन ऑफ येलो को, ये अपने को पता है मीन रहे है, तो डेविएशन ऑफ रेड प्लस डेविएशन ऑफ वायलेट डिवाइड बाई टू लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो, यस, अपन ने मीन ले लिया ना यार, मीन रहे है तो अपन ने ये मान लिया एग्जैक्ट बीच में, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर है तो उसको उसके लिए अपने को डेविएशन गिवन होगा, एंड इफ वी आर नॉट गिवन द डेविएशन ऑफ येलो देन वी कैन सॉल्व एज deviation of red plus deviation of violet divided by 2. Am I right? अब important ये है कि prism के अंदर कभी कभी वो deviation नहीं देखे, अपने को prism angle A और incident angle I और R1, R2 ये सब निकालने को बोल दे, तो अपन ने प्रिज्म से डेविएशन निकालना सीख रखा है ना यार, बताओ फॉर थिक प्रिज्म यानी नॉर्मल जो प्रिज्म होता है डेविएशन के लिए, फॉर डेविएशन डेविएशन कैसे निकालोगे बताओ, डेविएशन के लिए सबसे पहले I से मैं R1 निकालूंगा, R1 से R2 निकालूंगा, R2 से E निकालूंगा, और अगर I, R1, R2, E सब कुछ आ गया अपने पास तो क्या डेविएशन को मैं I प्लस E माइनस A लिख सकता हूं? अरे ये प्रेस में पढ़ा था ना यार सर, लेकिन तुमको सोचो, लेकिन तुमको सोचो अगर डिस्पर्जन का क्वेश्चन आएगा, अगर डिस्पर्जन का क्वेश्चन आएगा तो फिर आई से पहले R1 निकालना, देन R2 निकालना, देन E निकालना, देन हर किसी का डेविएशन निकालना, I प्लस E माइनस A। क्या अपने लिए ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा? अरे सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथी तो होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। तो इसलिए एग्जाम के अंदर तुमसे चाहे बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए, अगर डिस्पर्जन के अंदर कभी भी अपने को डेविएशन निकालना है तो डेविएशन के लिए ये मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको अपन यूज नहीं करेंगे। अपन ये एज्यूम कर लेंगे कि अपने पास प्रिज्म जो है वो थिन प्रिज्म है, क्या एज्यूम करेंगे? अगर थिन प्रिज्म है, और इसीलिए मैंने उस इसी टाइम के लिए वहां पे थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला बताया था, आराम से सोच के बताओ थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है? थिन माइनस वन क्या होता है? N minus 1 into A. Very good. N minus 1 into A. यही होता है क्या? अरे बोलो। Yes, sir.
तो इजीली अपन n ऑफ रेड डेविएशन ऑफ रेड n ऑफ रेड माइनस वन इंटू ए डेविएशन ऑफ येलो n ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए डेविएशन ऑफ वॉलेट n ऑफ वॉलेट माइनस वन इंटू ए बहुत इजीली अपन सबका डेविएशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से और बहुत इजीली अगर डेविएशन निकाल सकते हैं तो फिर अपन इजीली डिस्पर्सिव पावर या एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को डिस्पर्जन में कोई क्वेश्चन आएगा हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना है am I right सर थिक थिक प्रिज्म होगा तो ही क्या हुआ जब थिक प्रिज्म होगा तभी भी हम यही यूज करेंगे क्या वापस से बोलो सुनाई नहीं दे रहा हाँ बोलो अभी बोलो सर जब थिक प्रिज्म रहेगा तो तभी भी हम अरे थिक प्रिज्म नहीं रहेगा वो तुमसे बोला ही बोलेगा नहीं कि प्रिज्म थिक है या थिन है प्रिज्म थिक का क्वेश्चन अपने से नहीं पूछेगा वो बहुत लेंदी होता है सॉल्व करके देखना तुम बहुत टाइम लगता है उसमें और अगर अपनी किस्मत खराब है और उसने थिक प्रिज्म जानबूझ के दे दिया ए ए की वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी तो फिर तो अपने को मेथड से करना पड़ेगा बट ऐसा एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है नहीं आएगा अभी तक कभी नहीं आया अरे बोलो यस सर अरे कोई दिक्कत नहीं है ना नो सर चलो वेरी गुड तो इसको मैं रफ कर दूं क्या वन मिनट हाँ जल्दी से नोट कर लो अरे बोलो ओके सर बंद सर आप देखो आराम से समझना सबसे पहले मैं मीन डेविएशन निकालता हूं फॉर प्रिज्म कर रहे हैं अपन फॉर प्रिज्म मीन डेविएशन का मतलब क्या है डेविएशन ऑफ येलो डेविएशन ऑफ येलो तो मीन डेविएशन क्या होगा मीन डेविएशन हो जाएगा एन ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए एन ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए ऐसे कैसे एंगुलर डिस्पर्जन ये होता है डेविएशन ऑफ violet minus deviation of red so that would be theta that would be deviation of violet ho jayega n of violet minus 1 into a minus deviation n of red minus 1 into a isko thoda sa simplify karta hu main to yahan se theta aa gaya apne paas minus a aur plus a cancel ho gaya kya क्या ए से ए कैंसिल हो गया यानी डिस्पर्स एंगुलर डिस्पर्जन डायरेक्टली आ गया कि एन ऑफ वॉलेट माइनस एन ऑफ वॉलेट माइनस एन ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय ए सिंपल ऐसे कैसे अपन डिस्पर्सिव पावर बीटा निकाल सकते हैं डिस्पर्सिव पावर बीटा इज व्हाट theta upon mean deviation so theta is what nb minus nr multiplied by a divided by mean deviation any deviation of yellow
that is n y minus 1 into a. And we know that if yellow deviation is not given, अगर अपने को deviation of yellow is not given, deviation of yellow is not given, या फिर कभी-कभी क्या करता है वो, अपने को पता है कि deviation yellow निकालने के लिए, yellow का deviation निकालने के लिए, deviation of yellow निकालने के लिए अपने को n की जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो। तो तुमको सोचो अगर डेविएशन मीन है तो डेफिनेटली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीन होगा। तो अगर ये अपने को गिवन नहीं है तो इसका येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n ऑफ रेड प्लस n ऑफ वॉलेट डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, जैसे डेविएशन लिखा था वैसे वैसे ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो इज नॉट गिवन, देन वी कैन सॉल्व रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट डिवाइड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वो लास्ट क्लास में तुम्हें याद है तो मैंने बताया था कि डिस्पर्सिव पावर जो होती है, डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। डिस्पर्सिव पावर जो है ऑब्जेक्ट के शेप या साइज पे डिपेंडिंग करता है। इसका मतलब बाकी चीजों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर डिस्पर्सिव पावर पूछेगा तब तो मेरे को थिन लेंस वगैरह किसी से मतलब नहीं। मैं किसी एक थिन लेंस के लिए मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, ये सबके लिए वैलिड होगा, चाहे वो प्रिज्म हो ही ना, किसी भी शेप के लिए वैलिड होगा, चाहे अपने पास ऐसा प्रिज्म हो, चाहे अपने पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, या ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, ये तो शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करता, शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर ये सारे आइटम ग्लास के हैं या सारे सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्पर्सिव पावर बीटा हमेशा इतनी आएगी, थीटा अपॉन मीन डेविएशन, यानी एन बी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइड बाई एन ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए। एम आई राइट, गेटिंग माई पॉइंट? अरे समझ रहे हो ना? यस सर। वेरी गुड। तो इसको नोट कर लो, डिस्पर्सिव पावर के लिए अपने को थिन लेंस या थिक लेंस देखने की जरूरत नहीं है, अपन इजीली जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, एक मिनट के अंदर नोट कर लो। अरे हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। अब कभी कभी अपने को क्या है ना, थीटा हो गया या बीटा हो गया, ये अपने से एक लेंस एक प्रिज्म से पूछने की बजाय दो प्रिज्म का कंबाइन कर लेते हैं, दो प्रिज्म को कंबाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए थीटा वगैरह कैसे निकालते हैं? तो डिस्पर्शन फॉर
dispersion for two prism. Simple है ये. Two prism. Dispersion for two prism. दो प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन पढ़ना है. जैसे एक प्रिज्म ऐसा है, एक और प्रिज्म ऐसा कैसा है, और इन दोनों को ऐसे सेम टाइप से अपन ने इस टाइप से कंबाइन किया है. फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है, सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि सेकंड वाले प्रिज्म को, ये दोनों आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता. ये दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, मतलब इसकी सेम साइज बड़ी हो सकती है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है. लेट्स से दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल, मे और मे, ऐसा लिख लेता हूं, मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल, मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल. आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. अब इन दोनों प्रिज्म को ऐसे कर दिए, उल्टा कंबाइन कर दिया, एक को ऐसे किया है और दूसरे को ऐसे कंबाइन कर दिया, उल्टे ऐसे टाइप से जोड़ दिया. अभी भी मैं यही बोल रहा हूं कि लेट्स से इसके अंदर दोनों केस देख लेते हैं कि अभी ये नॉट आइडेंटिकल, अभी आइडेंटिकल नहीं. थर्ड केस देख रहा हूं मैं, जब दोनों आइडेंटिकल हो और इस टाइप से कंबाइन कर ले. जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आइडेंटिकल है. एग्जैक्ट से आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन एंड साइज बोथ आर सेम, दोनों सेम है और ए भी सेम है. साइज सेम बोल दिया मतलब ए भी सेम है ऑब्वियसली. तो प्रिज्म एंगल वगैरह सब सेम है, इस टाइप से हो सकता है या इस टाइप से हो सकता है या फिर इस टाइप से हो सकता है. इसको कंफ्यूज हो गए तो इसके में डायग्राम थोड़ा इस टाइप से बना देता हूं, नहीं तो फिर मतलब कंफ्यूज हो गए. ऐसे बना देता हूं, अलग अलग बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दो प्रिज्म है. अब सबसे पहले मेरे को निकालना है कि इसके अंदर थीटा कितना होगा, बीटा कितना होगा और बीटा इक्विवेलेंट कितना होगा. थीटा कितना होगा, बीटा कितना होगा और डिस्पर्सिव पावर इक्विवेलेंट कितनी होगी, ये अपने को निकालना है. अच्छा एक बात बताओ मेरे को आराम से सोच के कि जब मैं दोनों प्रिज्म को सेम टाइप से रखूंगा मतलब दोनों प्रिज्म को इस टाइप से रखा हुआ, जैसे पहला वाला केस तो यहां पे जैसे यहां से कोई रेज अगर आ रही है, जैसे ऐसे कोई रेज आई तो ये फर्स्ट ऐसे डेविएट होगी, अभी तो सेकंड ऐसे ही तो डेविएट होगी. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा अगर होगा दोनों प्रिज्म सेम टाइप से हैं तो दोनों का डेविएशन जो रे को डेविएट करेगी वो सेम टाइप से करेगी. जैसे मैं अगर डेविएशन ऑफ येलो निकालना चाहूं, डेविएशन ऑफ येलो निकालना चाहो, डेविएशन ऑफ येलो निकालना चाहो, इक्विवेलेंट येलो बोलूं या मीन डेविएशन बोलूं एक ही बात है. मीन डेविएशन तो आराम से सोच के बताओ येलो का डेविएशन कितना होगा, जितना फर्स्ट से डेविएशन होगा प्लस सेकंड से डेविएशन होगा. डेविएशन ऑफ येलो नेट कितना होगा, फर्स्ट से डेविएशन सपोज डेल 1 हो रहा है, सेकंड से डेविएशन डेल 2 हो रहा है,
डेविएशन वन प्लस डेविएशन टू हो जाएगा क्या, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं दोनों डेविएशन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो डेविएशन ऑफ येलो डेल वन माइनस डेल टू हो जाएगा। उल्टा रखोगे प्रिज्म को, प्रिज्म हमेशा रे को नॉर्मल केस में अपने बेस की तरफ मोड़ेगी, तो ये फर्स्ट वाला इधर मोड़ेगी, सेकंड वाला इधर मोड़ेगी, तो डेविएशन वन माइनस डेविएशन टू हो जाएगा। सेकंड दोनों आइडेंटिकल है, मतलब डेल वन और डेल टू दोनों सेम है, इसमें तो डेविएशन ऑफ येलो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेविएशन ऑफ येलो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसे मैं थीटा निकालता हूं, थीटा का मतलब डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्जन, तो एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा, एंगुलर डिस्पर्जन भी थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है बताओ, एंगुलर डिस्पर्जन होता है थीटा, ये अपना डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा क्या होता है, डेविएशन ऑफ रेड माइनस डेविएशन, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो। तो थीटा वन फर्स्ट के लिए निकाल लूंगा, सेकंड के लिए थीटा निकाल लूंगा, और दोनों को यहां पे डेविएशन ऐड हो रहे हैं तो डेफिनेटली थीटा भी ऐड होगा। सब तो डिस्पर्सिव पावर होती है ना, डिस्पर्सिव पावर तो बीटा होती है। आंसर मतलब डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। अच्छा अच्छा, डिवाइड नहीं कर रहे, डिवाइड नहीं कर रहे, अपन निकाल रहे हैं ओनली फॉर थीटा, यानी थीटा इज व्हाट, थीटा इज डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ये निकाल रहे हैं। डिस्पर्सिव पावर तो क्या होती है, थीटा अपॉन डेविएशन ऑफ येलो, सही है ना? यस सर। हाँ, तो डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, या सिंपल ऐसे समझ लो थीटा का मतलब कितने एंगल के अंदर रेस फैली हुई है, कितने एंगल के अंदर रेस फैली हुई है। तुम कुछ सोचो, जैसे फर्स्ट टाइम रेस कितने एंगल के अंदर फैली, अब सेकंड टाइम आगे जाके वापस से रेस और ऐसे फैल रही है, तो क्या दोनों एंगल एड हो जाएंगे, टोटल इतने रेंज के अंदर क्या टोटल कलर्स फैले हुए होंगे? तो अगर सेम टाइप से रखा हुआ है तब तो थीटा क्या होगा, थीटा इक्विवेलेंट थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर ऑपोजिट टाइप से रखा हुआ है तो थीटा इक्विवेलेंट थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा, और इस केस में थीटा इक्विवेलेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा दोनों को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रखोगे और आइडेंटिकल प्रिज्म में, तो थीटा इक्विवेलेंट जीरो हो जाएगा। फर्स्ट जितना फैलाएगा, सेकेंड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फैलाएगा, तो एक थीटा को पॉजिटिव लोगे तो एक थीटा को नेगेटिव लोगे। अरे बात समझ में? सो हाँ बोलो। तो फर्स्ट वाले केस में हम दोनों को ऐड क्यों करेंगे वो बता दीजिए ना। ऐड इसलिए करेंगे कि दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में है। देखो देखो, फर्स्ट टाइम जैसे है ना रेस आई, फर्स्ट टाइम ये तीनों कलर ऐसे आ रहे थे, मतलब तीनों का डेविएशन ऐसा है, तो तीनों इतने ये एंगल लेंगे अपन, ये थीटा है। सेकंड टाइम भी है ना क्लॉकवाइज ही एंगल है, सेकंड टाइम ये थीटा है, दोनों एंगल ऐसे क्लॉकवाइज ही आ रहे हैं, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा ना। नहीं समझे? तो थीटा इक्विवेलेंट तो मतलब लास्ट में जितना में स्प्रेड करेगा वो ना, लास्ट का मतलब नहीं है, डिस्पर्शन दोनों से होगा ना, अपने वो इनिशियल रे के रेस्पेक्ट में बात करनी है, इनिशियल रे के रेस्पेक्ट में कि फर्स्ट टाइम कितने कलर्स कितने एंगल में स्प्लिट हुए, सेकंड टाइम कितने स्प्लिट हुए, तो सेकंड टाइम जो स्प्लिटिंग होगी वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ही तो होगी। हां सर, अब क्लियर है भाई। सेकेंड टाइम ऐसा तो है नहीं कि सेकेंड प्रिज्म से जो इंसिडेंट इनिशियल रे है वो इंसिडेंट होगी, सेकेंड प्रिज्म से रे तो वही इंसिडेंट होनी जो स्प्लिट हो चुकी है। तो ये हो गया। अब डिस्पर्सिव पावर बीटा इक्विवेलेंट
थीटा इक्विवेलेंट अगर निकालना है डिस्पर्सिव पावर, तो थीटा इक्विवेलेंट अपॉन डेविएशन ऑफ येलो इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो डिस्पर्सिव पावर निकालने का कोई सेंस ही नहीं है। इस केस में डिस्पर्सिव पावर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों थीटा और डेविएशन ऑफ येलो दोनों जीरो है, तो यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर जीरो बोलने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर अपन सॉल्व नहीं करते। So any doubt in all three cases? No sir. जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अरे रफ कर दूं क्या? यस सर। चलो तो इसको रफ करता हूं मैं। अच्छा एक और बात, एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ छोटा सा, कि कल भी अपनी क्लास लगी हुई है ना आई थिंक। यस सर। तो टाइम टेबल में अपन ने ध्यान नहीं दिया, इस वीक अपनी क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा लगा दी, हर पर डे क्लास लगा दी, मान सर की भी साथ में चल रही है, तो फिजिक्स की क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई, छह क्लास तो अपनी हो गई, मान सर की भी दो क्लास लगी हुई है शायद। हाँ सर। तो कल की लास्ट है या फर्स्ट स्लॉट में, कौन से स्लॉट में है? लास्ट, सबसे लास्ट स्लॉट में ना। हाँ सर। ठीक है, तो सबसे लास्ट स्लॉट में अपन क्या करेंगे, ऑप्टिक्स के कल अपन क्लास नहीं लेंगे, ऑप्टिक्स के कुछ डाउट्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? यस सर। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट है। अच्छा तो ये अपना डिस्पर्जन जो अपने काम की बातें थी वो कंप्लीट हो गई, लेकिन डिस्पर्जन जो है वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि लेंस से डिस्पर्जन कैसे होता है, पर फिर भी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछ ले तो अपने को आना चाहिए, सिंपल सा है, लेंथ से डिस्पर्जन किस टाइप से होता है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ फोकल लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लेंथ से डिस्पर्जन कैसे होता है मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, ताकि कभी सरप्राइज क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट सॉल्व करना आना चाहिए। ये बोल्ड वगैरह में नहीं है, डिस्पर्जन फ्रॉम लेंस, जैसे ये कोई लेंस है, ये सपोज कोई पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा रहे हैं अपन, और पैरेलल कोई अगर व्हाइट लाइट रे अगर पास करवाए, व्हाइट लाइट रे अपने इंसिडेंट करवाइए लेंस पे, डबल कॉन्वेक्स लेंस है उसपे व्हाइट लाइट रे पास करवाइए, तो वो सोचो क्या अपने को पता है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ज करेगा, फोकस पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन अभी कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि डेविएट हो रही है, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी सीधी की सीधी, और फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे कन्वर्ज होने का मतलब डेविएट हो रही है, डेविएट हो रही है। तो आराम से सोच के बताओ सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगी? वायलेट। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट वायलेट होगी, सबसे क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगी? वायलेट। आराम से समझना, देखो
ऐसे जा रही थी, सबसे ज्यादा अपने को पता है कन्वर्ट्स होने वाली, कन्वर्ट्स का मतलब ये ऐसे होने वाली, ऐसे आने वाली है, यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ट्स होने वाली है, तो सबसे ज्यादा अगर वॉलेट डेविएट होगी तो क्या सबसे पहले यहाँ पे वॉलेट मिलेगी? सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगी, सबसे पहले कन्वर्ट्स क्या वॉलेट होगी? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है येलो, उससे कम डेविएट होगी, यानी उससे उसके बाद कन्वर्ट्स होगी। सबसे लास्ट के अंदर सबसे कम डेविएट होने वाली रेड होगी, यानी सबका फोकल लेंथ अलग अलग होगी। ये तो रेड का डेविएशन हो गई, रेड का फोकस हो गया, ये येलो का फोकस हो गया, ये वॉयलेट का फोकस हो गया। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, this is the focal length of yellow and this is the focal length of red. अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अपन ने ऑप्टिक्स के अंदर सिंगल कलर की या मोनो कलर्ड लाइट को ही क्यों पढ़ाया? अगर अपन व्हाइट लाइट रे पास करवाते तो अपना तो कवर्ड हो जाता। अरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करना बहुत मुश्किल होता ना यार, ऑब्जेक्ट जो है कितने है? सात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है बहुत फैला हुआ बनता, सॉरी इमेज इंटेंसिटी बहुत कम होती, इमेज बहुत ज्यादा फैला हुआ बनता, इंटेंसिटी बहुत कम होती। yes. अरे इस केस में जो इमेज बनेगा, यहाँ पे भी इमेज बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यानी यहां से लेके यहां तक इमेज फैला हुआ दिखेगा, तो इंटेंसिटी बहुत कम होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान रखना, फोकल लेंथ ऑफ वॉलेट इज मिनिमम एंड देन फोकल लेंथ ऑफ येलो, देन फोकल लेंथ ऑफ रेड। तो ये बातें हो गई अपने पास डिस्पर्जन की। अच्छा मेरे को उसके बाद रिफ्लेक्शन से डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन में होता है क्या? तुमको सोचो चाहे व्हाइट लाइट पास करवाओ, चाहे कैसे भी लाइट रे पास करवाओ, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन का लॉज तो फॉलो होगा। रिफ्लेक्शन का लॉज का मतलब डेफिनेटली अगर सारी रेज के लिए आई सेम है तो आर भी डेफिनेटली क्या होगा? सेम हो। तो डिस्पर्जन जो है वो रिफ्लेक्शन के अंदर कभी भी डिस्पर्जन अपने को ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आई थिंक समझ गए होंगे। समझ गए ना? Yes, sir. हाँ सर। अभी तुम्हारा आज होमवर्क क्या रहेगा? आज तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा, ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन है ना, एक आधे घंटे का एक टॉपिक बचा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके अंदर अपन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या आईज की स्ट्रक्चर क्या होती है, आईज के अंदर कैसा लेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो तीनों तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो उनकी थ्योरी प्लस किस टाइप से जो इन चीजों को सॉल्व किया हुआ है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रीडिंग लगा के आना, ताकि जल्दी जल्दी अपन काम काम की चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो सिर्फ बोर्ड में ही काम का है, बाकी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था, बहुत अच्छे से अपन ने सब कुछ ऑप्टिक्स के अंदर कम्प्लीट कर लिया है। आई थिंक ऑप्टिक्स आसान लगी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अपन ने डिस्पर्जन जनरली लोग इतना इजिली डिटेल में नहीं पढ़ते, बट फिर भी डिस्पर्जन को भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए डिस्पर्जन के अंदर भी। यस सर। तो ऑप्टिक्स पूरे के अंदर कोई भी डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अरे बोलो। तो अब है ना, अब बस अपना एक ही काम बचा है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डाउट पूछो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डाउट पूछो। एम आई राइट? यस सर। यस। ठीक है, तो कल अपन डाउट डिस्कस करेंगे, मंडे को थोड़ा सा बचा हुआ है।